नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। ऊना में उस समय बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हूटिंग शुरू हो गई जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन ऑयल डिपो का शिलान्यास करने वहां पर पहुंचे। इस मौके पर सूबे के सीएम वीरभद्र सिंह और कई कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के समर्थन में हल्ला कर दिया। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच भी तीखी बयानबाजी देखने को मिली। ऊना में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम वीरभद्र सिंह इंडियन ऑयल डिपो का शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन यहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी में विकास का मुद्दा पीछे छूट गया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहां पीछे रहने वाले थे। मौके पर सूबे के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जीएस बाली, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती जैसे दिग्गज मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को शांत नहीं करवा पाए। इस बीच उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चुनाव में महज 6 महीने बाकी हैं और सबको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री के इतना कहते ही बीजेपी कार्यकर्ता और भड़क गए। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर नारेबाजी कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आए। अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस चक्कर में विकास की बात पीछे ना छूट जाए, इस तरफ दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को सोचने की जरूरत है। ऊना से राकेश मल्ली, जी मीडिया।